Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jia and in this video we are going to learn about fixation in the histopathology lab. So chaliye aaiye shuru karte hain video. So basically fixation hota kya hai? Fixation is a preservation of tissue. Kya hai fixation ka matlab? Tissue ko preserve karna, theek hai? Tissue ki preservation is known as fixation. So fixation is a preservation of tissue after a specimen is removed from the body. Jab स्पेसिमेन बॉडी से रिमूव किया जाता है, इट बिगिंस डीकम्पोज. ये क्या होता है? डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है. इसकी शेप, स्ट्रक्चर और उसकी ओरिजिनल कंडीशन सब डिस्टॉर्टेड होने लग जाती है. किस वजह से? ड्यू टू ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन. ओके, सो फिक्सेशन का मतलब क्या है? जब हम एक टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं, दैट थिंग इज नोन एज फिक्सेशन. क्यों करते हैं फिक्सेशन हम? क्योंकि जब एक स्पेसिमेन रिमूव होता है बॉडी से, तो वो उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है? धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. उसका जो सेल का शेप है, साइज है, वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑटोलाइसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन. ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जब सेल्फ के एंजाइम्स की वजह से टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए, दैट थिंग इज नोन एज ऑटोलाइसिस. एंड प्यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? जब बाहर के बैक्टीरिया टिश्यू के अंदर इन्वेड होते हैं, सेल की मोर्फोलॉजी को खराब करना शुरू कर देते, दैट थिंग इज नोन एज प्यूट्रिफिकेशन. सो इस चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं. उसके बाद अगर हम बोले कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव, एक आइडियल फिक्सेटिव किस तरीके का होना चाहिए, सो उसके बारे में बात करते हैं. जो आइडियल फिक्सेटिव होता है, इट मस्ट बी चीप. वो सस्ता होना चाहिए ताकि लैब में अफोर्ड किया जा सके, इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, और मार्केट में बहुत आसानी से मिल भी जाए. उसके बाद प्रिवेंट्स ऑटोलाइसिस. वो ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट करें एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन इन द सेल एंड टिश्यू. सो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से भी हेल्प करे बेसिकली प्यूट्रिफिकेशन से, किसमें? सेल और टिश्यू दोनों में. उसके बाद इट पेनिट्रेट द टिश्यू एंड सेल रैपिडली एंड इवनली. क्या होना चाहिए? ये जो फिक्सेटिव है, टिश्यू और सेल के अंदर पेनिट्रेट होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, तभी तो उसको फिक्स करेगा ना. अब किस में जाना चाहिए? सेल और टिश्यू में जाना चाहिए, अच्छे से पेनिट्रेट होना चाहिए और रैपिडली होना चाहिए, जल्दी और इवनली होना चाहिए. मतलब जितना भी सेल है हमारा, जितना भी टिश्यू है, सारे के अंदर ही जो फिक्सेटिव है अच्छी मात्रा में जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा चला गया और कहीं पर बिल्कुल ही नहीं गया है. जहाँ पर नहीं गया हो वो चीज़ तो सड़ने लग जाएगी ना, तो वो चीज़ ना हो. उसके बाद प्रिवेंट्स टिश्यू इन देयर नेचुरल स्टेट. जो फिक्सेटिव हो ऐसा हो जो टिश्यू की नेचुरल स्टेट थी, जैसा वो बॉडी से बाहर निकला था बिल्कुल वैसा ही उसको रखे. सो उसकी नेचुरल स्टेट को वो प्रिवेंट करे एंड फिक्स ऑल केमिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द टिश्यू. और जो टिश्यू के खुद के केमिकल कॉम्पोनेंट्स है वो भी प्रिजर्व रहे. उसके बाद इट अवॉइड एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ द टिश्यू. सो फिक्सेटिव ऐसा हो जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर हार्डनेस ना आए. सो ऑल्सो अलाउ एनहेंस स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू. और फिक्सेटिव सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हम टिश्यू के ऊपर बाद में जब स्टेनिंग करेंगे तो उसके ऊपर स्टेनिंग अच्छे से इन्हेंस हो, अच्छे से दिखे. ऐसा ना हो कि हमें सेल ही अच्छे से नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिक्सेटिव सोल्यूशन. सो शुड बी नॉन टॉक्सिक. नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉन एलर्जिक फॉर यूज़र. और एलर्जिक भी नहीं होना चाहिए जो यूज़ कर रहे हैं लोग, जो उससे काम करने वाले हैं, ठीक है. उसके बाद प्रोवाइडिंग आइसो ऑस्मोटिक कंडीशन टू द टिश्यू. जो टिश्यू है उसको जो आइसो ऑस्मोटिक कंडीशन प्रोवाइड करे, मतलब क्या है कि जो ऑस्मोटिक कंडीशन होती है वो उसकी सेम रहे टिश्यू की भी और सोल्यूशन की भी. तो इस तरीके से होगा तो पेनिट्रेशन बहुत ईजिली हो पाएगा. उसके बाद शुड नॉट ऐड टू और रिमूव फ्रॉम द टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो टिश्यू है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, टिश्यू के अंदर जो मटीरियल है, उसके अंदर ना तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड हो, ना ही टिश्यू के अंदर से कोई चीज़ बाहर जाए. इस तरीके का फिक्सेटिव होना चाहिए. शुड नॉट कॉज एनी श्रिंकेज और स्वेलिंग. फिक्सेटिव की वजह से टिश्यू के अंदर ना तो कोई श्रिंकेज आए, ना वो सुकड़े, ना ही वो फूले, स्वेल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड प्रिवेंट डिस्टॉर्शन बाय एनी रिएजेंट्स यूज सब्सिक्वेंटली. फिक्सेटिव को यूज करने के बाद जो हम रिएजेंट्स बाद में यूज करेंगे, वो रिएजेंट फिक्सेटिव की वजह से जो सेल है या टिश्यू है उसको खराब ना करे, ठीक है. तो ऐसा फिक्सेटिव होना चाहिए. उसके बाद शुड रेंडर द टिश्यू रिसेप्टिव द स्टेन्स. और फिक्सेटिव सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि बाद में अगर हम स्टेन दें टिश्यू को, तो वो आराम से स्टेन का कलर जो टिश्यू है वो आराम से ले सके. उसके बाद शुड बी स्टेबल. जो फिक्सेटिव है वो स्टेबल होना चाहिए. शुड अलाउ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ स्पेसिमिन. जो स्पेसिमिन है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहे, ऐसा फिक्सेटिव हो. एंड शुड अलाउ रिस्टोरेशन ऑफ सेम नेचुरल कलर्स. जो टिश्यू का खुद का नेचुरल कलर है वो वैसा का वैसा रहे, रिस्टोर रहे. ऐसा ना हो कि वो टिश्यू का कलर ही उड़ गया, ठीक है. ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि
फॉर द स्टोरेज इन द म्यूजियम वर्क एंड फोटोग्राफी, क्योंकि हम लोग टिश्यूज को, ऑर्गन्स को म्यूजियम में भी रखते हैं, फोटोग्राफी के लिए भी रखते हैं। अगर मान लो म्यूजियम में हमने उसको रखा और उसका कलर ही उड़ गया टोटली, तो उसको थोड़ा सा रिकग्नाइज करने में दिक्कत आती है, तो वो चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। तो फिक्सेटिव ऐसा होना चाहिए कि जो नेचुरल कलर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए वेरियस फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर फिक्सेशन। फिक्सेशन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। जो टिश्यू होता है वो फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, तभी वो फिक्स होगा। उसके बाद प्रॉपर पेनिट्रेशन ऑफ टिश्यू बाय फिक्सेटिव, जो टिश्यू है उसके अंदर फिक्सेटिव का जो पेनिट्रेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर अनइवनली हुआ, इवन नहीं हुआ, अनइवनली होगा तो फिर वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा। उसके बाद करेक्ट चॉइस ऑफ फिक्सेटिव, जिस तरीके का टिश्यू होगा उसी तरीके का फिक्सेटिव हमें यूज़ करना है, वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। नो फिक्सेटिव विल पेनिट्रेट अ पीस ऑफ टिश्यू थिकर देन 1 सेंटीमीटर। अगर कोई टिश्यू का साइज, टिश्यू की थिकनेस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो उसके अंदर जो फिक्सेटिव है वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अब क्या करना है, अगर मान लो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उसकी साइज, तो उसको डील कैसे करेंगे? अब देखो कैसे डील करेंगे, मान लो सॉलिड ऑर्गन है हमारे पास, राइट, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्लाइसेस कट कर देंगे, कट स्लाइसेस नॉट थिकर देन 5 mm, 5 mm से ज़्यादा थिकर नहीं होनी चाहिए, फिर उसको फिक्सेटिव सॉल्यूशन में रख दो, ठीक है। उसके बाद अगर हॉलो ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन में क्या करेंगे, आइदर ओपन और फिल, हम क्या करेंगे, ऑर्गन को ओपन कर लेंगे या फिर उसको फिल करेंगे विद फिक्सेटिव, फिक्सेटिव से फिल करेंगे, ठीक है, और पैक लाइटली विद वूल सॉक्ड इन द फिक्सेटिव। और हम पैक कैसे करेंगे, अगर हमें पैक भी करना है उसे, हमने पहले उसे ओपन किया, ओपन करने के बाद जो कॉटन है उसको फिक्सेटिव के अंदर डिप करके उसके अंदर जो ऑर्गन हमने कट किया था उसके अंदर हमने क्या रखना है, वूल को रखना है, जो फिक्सेटिव उसके अंदर ऑलरेडी होगा वूल के अंदर, तो इस तरीके से हम फिक्सेटिव आराम से पहुंचा पाएंगे उसके लिए। और अगर लार्ज स्पेसिमेन है तो उसमें क्या करेंगे, इट रिक्वायर्स डाइसेक्शन, लार्ज स्पेसिमेन को हमको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और अगर किडनी एंड इंजेक्ट फिक्सेटिव अलॉन्ग दी वेसल्स, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो वेसल्स है उसकी, उसके अंदर फिक्सेटिव को डालना पड़ेगा विद दी हेल्प ऑफ इंजेक्शन। हम फिक्सेटिव को इंजेक्ट कर सकते हैं वेसल्स में और ब्रोंकाइज में, एज इन द केस लंग्स, अगर लंग्स का स्पेसिमेन आता है तो उसकी जो ब्रोंकाई है उसमें फिक्सेटिव डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, सो दैट इट रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, और इस तरीके से जो फिक्सेटिव है ऑर्गन के सभी पार्ट्स में आराम से पहुँच जाएगा। सो नाउ देयर इज द मेथड्स फॉर फिक्सेशन। सो मेथड में देखिए कितने हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं फिक्सेशन के लिए, जैसे कि हीट फिक्सेशन, सो एंड परफ्यूजन, इमर्जन, वेपर मेथड, फेस पार्टीशन मेथड। सो ये 4-5 तरीके के फिक्सेटिव मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फिक्सेटिव ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिन, हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स, हमारे पास फिक्सेटिव की दो क्लासिफिकेशन होती है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल फिक्सेटिव, एक होता है केमिकल फिक्सेटिव। फिजिकल फिक्सेटिव में क्या होता है, हम हीट यूज़ करते हैं या फिर फ्रीजिंग मेथड को यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है फिजिकल स्टेट को हम मेंटेन करके रखते हैं, फिजिकल फिक्सेटिव यूज़ करते हैं उसमें हीट और फ्रीजिंग करते हैं। एंड केमिकल फिक्सेटिव इसलिए यूज़ किया जाता है जो सेल के अंदर के कॉम्पोनेंट्स हैं वो प्रिजर्व रहे, ठीक है। सो केमिकल फिक्सेटिव को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर मैं केमिकल फिक्सेटिव की बात करूँ, दो टाइप्स में डिवाइड है, एक है सिंपल फिक्सेटिव और एक है कंपाउंड फिक्सेटिव, ओके। सो जो सिंपल फिक्सेटिव होता है उसके अंदर मतलब कि एक ही सोल्यूशन से मिलकर वो फिक्सेटिव बनता है, उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर नहीं होते, इसलिए उसको सिंपल फिक्सेटिव कहते हैं, जैसे कि फॉर्मलिन हो गया, मरकरी क्लोराइड हो गया, ऑस्मिक एसिड हो गया, ठीक है, पिक्रिक एसिड हो गया, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एंड ऑस्मिक एसिड, राइट। ये सारे के सारे सिंपल फिक्सेटिव के एग्जाम्पल हैं, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट किसी गवर्नमेंट जॉब के पेपर या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है आपको, तो थोड़ा सा याद रहता है कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ये फिक्सेटिव है एक्चुअली में। काफ़ी बार ये भी नहीं पता होता कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिक्सेटिव है, ये नहीं भी है, ठीक है, तो इसलिए एक बार देख लेना प्लीज़। एंड उसके बाद जो कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं वो 3 सब टाइप में डिवाइडेड हैं। जो कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं उसके भी 3 तरीके के पार्ट्स हैं, जैसे कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव का मतलब क्या है, जो टिश्यू है उसकी एनाटॉमी को ये प्रिजर्व करके रखता है। साइटोलॉजिकल में उसकी सेल की शेप को, सेल की शेप साइज को प्रिजर्व करके रखेगा। एंड हिस्टोकेमिकल में क्या होता है, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को सेव करके रखता है। सो माइक्रो एनाटॉमिकल में जो एग्जांपल आते हैं, दैट इज़ अ फॉर्मल सलाइन, न्यूट्रल बफर फॉर्मलिन, जैंकर फ्लूड एंड बोइंस फ्लूड, ओके। एंड हिस्टोलॉजिकल में कोल्ड एसिटोन एंड इथेनॉल आता है। अब जो साइटोलॉजिकल है वो भी दो तरीके में डिवाइड है, एक होता है न्यूक्लियर फिक्सेटिव, एक होता है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। न्यूक्लियर के लिए कार्नोइस फ्लूड होता है और साइटोप्लाज्मिक के लिए चैम्पिस फ्लूड, कैम्पिस फ्लूड
होता है। सो ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है केमिकल फिक्सेटिव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार देख लेना। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं सिंपल फिक्सेटिव को आगे डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली सिंपल फिक्सेटिव में सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन का दूसरा नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। सो इट इज़ अ गैस, बेसिकली ये गैस है विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर। वो ये जो गैस है वो वाटर के अंदर अंदर सॉल्युबल होती है टू अप्रॉक्सीमेटली 40% बाय वेट। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का 40% लेते हैं और उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो इजिली सॉलेबल हो जाती है। सो इस तरीके से हमारा फॉर्मलिन बनता है, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल। ये गैस कैसे बनती है? जब मिथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तब। इट दिस सैचुरेटेड गैस सोल्यूशन इज अवेलेबल कमर्शली एज अ फॉर्मलिन। 10% फॉर्मलिन के रूप में ये पाई जाती है, ठीक है। मार्केट के अंदर 10% फॉर्मलिन के रूप में कमर्शली अवेलेबल है एंड यूज किया जाता है इसको एज एन फिक्सेटिव। उसके बाद इट प्रिजर्व्स, इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चीप होता है, ठीक है, सस्ता है एंड पेनिट्रेट्स रैपिडली टिश्यू के अंदर, बहुत जल्दी पेनिट्रेट होती है। उसके बाद डज नॉट ओवर हार्डन द टिश्यू, टिश्यू को हार्ड नहीं करती है, कठोर नहीं करती है। यूज एज अ रूटीन फिक्सेटिव, रूटीनली जो फिक्सेटिव यूज होता है वो यही होता है फॉर्मलिन, 10% फॉर्मलिन, ओके। इट प्रिजर्व्स फैट, ये फैट को प्रिजर्व करती है, प्रोटीन को प्रिजर्व करती है विद नो प्रेसिपिटेशन, और इसके अंदर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। उसके बाद इसके फिक्सेशन टाइम की बात करें सो टिश्यू आर फिक्स्ड फॉर 12 to 24 आवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने टिश्यू को 12 से 24 घंटे के लिए फिक्सेशन सोल्यूशन में डाल के रखना है तो हमें उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा? 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर 2 घंटे के अंदर ही करना है तो हमें उसे 65 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करने पड़ेगा, वो भी वाटर बाथ के अंदर। उसके बाद देखिए सेकेंड जो सिंपल फिक्सेटिव है दैट वुड बी द इथाइल अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल में हम एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल का एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम यूज़ करते हैं एज अ फिक्सेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, ओके। सो एडवांटेज में बात करें तो ये कोगुलेट करता है प्रोटीन्स को एंड टेंड्स टू डिजॉल्व लिपिड्स, लिपिड्स को डिजॉल्व कर देता है इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर, और इसी वजह से ये स्टेबल कर रहता है एंड लॉन्गर टाइम तक जो टिश्यू है उसको प्रिजर्व करके रखता है। डिसएडवांटेज की बात करें इसकी तो पेनिट्रेट ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करता है, स्लोली पेनिट्रेट करता है। ओवर हार्डन द टिश्यू, टिश्यू को हार्ड करता है, ओवर हार्ड करता है। इवन इट इफ इट इज कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर ज्यादा टाइम के लिए हम टिश्यू को इसके अंदर रखते हैं तो ये ओवर हार्ड करता है टिश्यू को एंड श्रिंकेज ऑफ द सेल एंड टिश्यू, जो सेल और टिश्यू है उसको श्रिंक भी कर देता है, मतलब सिकुड़ भी जाता है उसकी वजह से सेल और टिश्यू। नाउ देयर इज अ एसीटोन एज अ सिंपल फिक्सेटिव। जो एसीटोन होता है वो मेनली यूज एज अ फिक्सेटिव की तरह यूज किया जाता है, यूज फॉर एंजाइम स्टडी, एंजाइम की स्टडी के लिए एसीटोन को यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉस्फेट और लाइपेस की स्टडी के लिए, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फिक्सेटिव एंजाइम्स की स्टडी, फॉस्फेट और लाइपेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? एसीटोन यूज़ किया जाता है। ग्लाइकोजन इज नॉट वेल प्रिजर्व, इसके अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो प्रिजर्व नहीं होता है अच्छे से, लेकिन लाइपेस और फॉस्फेट अच्छे से होते हैं, ठीक है। एडवांटेज है इसका कोगुलेट प्रोटीन, प्रोटीन को कोगुलेट करता है, डिजॉल्व करता है लिपिड्स को टिश्यूज के अंदर एंड इसी वजह से ये लॉन्गर टाइम के लिए स्टेबल भी रखता है टिश्यू को। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत स्लोली पेनिट्रेट होता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पेनिट्रेट होता है एंड ओवर हार्डन द टिश्यू इफ कैप फॉर लॉन्गर टाइम। अगर हम टिश्यू को एसीटोन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के रखेंगे तो वो उसको ओवर हार्ड कर देगा, ठीक है, एंड सेल और टिश्यू को श्रिंक भी कर देता है। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ अ मर्करी क्लोराइड। सो मर्करी क्लोराइड में क्या है? इट इज़ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट। ये जो मर्करी क्लोराइड है ये एक प्रोटीन प्रेसिपिटेंट फिक्सेटिव होता है विच रैपिडली पेनिट्रेट, बहुत जल्दी पेनिट्रेट करता है एंड हार्डन द टिश्यू। पेनिट्रेट तो बहुत जल्दी करता है लेकिन टिश्यू को हार्ड भी करता है। कौन करता है? मर्करी क्लोराइड करता है। उसके बाद द रेट ऑफ पेनिट्रेशन इज डिक्रीज 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जैसे ही हमने टिश्यू को इसके अंदर रखा तो 5 मिनट के बाद जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। सो दैट टिश्यू नॉट देन 5 mm इज इन द थिकनेस आर नॉट फिक्स्ड। अगर 5 mm से ज़्यादा का टिश्यू है कोई थिकनेस में तो वो इसके अंदर फिक्स नहीं हो पाएगा। इट लीव्स ऑल्सो, इसका मेन जो डिसएडवांटेज है ये है कि इट लीव्स ब्लैक पिगमेंटेशन ऑन टिश्यू, टिश्यू के ऊपर ये ब्लैक पिगमेंटेशन छोड़ता है बिकॉज कलर ऑफ फिक्सेटिव इज ब्लैक। इस फिक्सेटिव का कलर ही ब्लैक होता है मर्करी क्लोराइड का। सो टिश्यू इज वॉश्ड विद ल्यूगल्स आयोडीन, इसलिए हम जो टिश्यू है उसको ल्यूगल्स आयोडीन के साथ वॉश करते हैं टू रिमूव द ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट, ताकि जो ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट है उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद है पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाइडली यूज किया जाता है
एंड डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो इसके ना दो पीएच होते हैं, उसके हिसाब से ये काम करता है। सो बेसिकली क्या है, जब इसका पीएच लेस देन 4.6 होगा तो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट प्रोटीन, सॉरी ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट प्रोटीन, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा और कार्बोहाइड्रेट को फिक्स कर देगा जब इसका पीएच लेस देन 4.6 होगा। लेकिन जब इसका पीएच 4.6 पर ही होगा पूरा, ठीक है, सो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को वेल प्रिजर्व करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को फिक्स कर देगा अच्छे से, ठीक है। इट प्रॉपरली कोगुलेट्स द प्रोटीन, प्रोटीन को अच्छे से कोगुलेट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। टिश्यू शुड बी वॉश्ड इन रेडिंग टैप वाटर बिफोर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से पहले टिश्यू को अच्छे से रेडिंग टैप वाटर में वॉश करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, टू रिमूव येलो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जो येलो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इसके अंदर आते हैं बिकॉज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, उनको हटाने के लिए। उसके बाद देखिए पिक्रिक एसिड एज अ फिक्सेटिव, सो यूज्ड मेनली फॉर ट्राइक्रोम स्ट्रेन। जब हम ट्राइक्रोम स्ट्रेन यूज करते हैं, अगर मान लो हमने किसी टिश्यू के ऊपर ट्राइक्रोम स्ट्रेन यूज करनी है, तो उसके लिए हम जो फिक्सेटिव यूज करते हैं वो दैट वुड बी द पिक्रिक एसिड। सो प्रेसिपिटेट्स प्रोटीन, ये क्या करता है, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, कंबाइंस विद दैम टू फॉर्म पिक्रेट, उनके साथ कंबाइन होकर पिक्रेट बनाता है। एंड सोल्यूबल है ये वाटर के अंदर एंड इनसोल्यूबल है ये अल्कोहल के अंदर। सो ग्लाइकोजन इज वेल प्रिजर्व, इसके अंदर जो ग्लाइकोजन है वो अच्छे से प्रिजर्व होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये श्रिंकेज कॉज करता है सेल और टिश्यू की। उसके बाद है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सो जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है दैट इज अ एक्सलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू एंड सेल। जो स्मॉल पीस होते हैं टिश्यू के स्मॉल पीस और सेल्स होते हैं, उनके लिए ना एक्सलेंट प्रिजर्वेटिव का काम करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसको कहाँ के लिए यूज किया जाता है, जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अप्लाई करनी होती है उसके लिए हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को यूज करते हैं। एंड इट डेमोन्स्ट्रेट लिपिड्स, ये लिपिड्स को डेमोन्स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जल्दी उड़ जाता है, दैट इज इसीलिए हम इसको स्टोर करके रखते हैं इन द क्लीन बॉटल इन द डार्क एरिया। डार्क एरिया में क्लीन बॉटल के अंदर रखते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखते हैं ताकि ऑक्सीडाइज ना हो सके। उसके बाद है एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है इट इज यूजली कंपाउंड फिक्सेटिव, इसको बेसिकली हम कंपाउंड फिक्सेटिव कह सकते हैं क्योंकि इसको अकेला नहीं यूज किया जा सकता है। सो इट इज नॉट यूज एज अ फिक्सेटिव अलोन बिकॉज इट्स स्वेलिंग इफेक्ट ऑन टिश्यू एंड सेल्स। क्या करता है, अगर अकेला हम इसे यूज करेंगे तो टिश्यू और सेल को स्वेल कर देंगे, इसलिए इसको कंपाउंड की तरह यूज करना पड़ता है, स्पेशली कोलाजन फाइबर को तो और भी ज्यादा स्वेल कर देता है। डज नॉट प्रिजर्व प्रोटीन, ये प्रोटीन को प्रिजर्व नहीं करता है, प्रिजर्व करता है सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को। उसके बाद है लास्ट वन सिंपल फिक्सेटिव का, जो लास्ट एग्जांपल है दैट वुड बी द क्रोमिक एसिड। सो क्रोमिक एसिड में क्या करता है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑन क्रोमियम ऑक्साइड इन वाटर। जब हम वाटर के अंदर क्रोमियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो हमारा क्रोमियम एसिड बनता है, ठीक है। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए इसको हमें कंबाइन करना पड़ता है अल्कोहल या फिर फॉर्मलिन के साथ में ताकि ऑक्सीडाइज ना हो सके। एंड ये प्रेसिपिटेट करता है प्रोटीन्स को एंड उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है। सो नाउ देयर इज अ कंपाउंड फिक्सेटिव। अब कंपाउंड फिक्सेटिव में भी मैंने आपको तीन सब टाइप बताए थे, तो उनमें से फर्स्ट है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। इसमें जो आता है सबसे पहले आता है फॉर्मल सलाइन। सो फॉर्मल सलाइन के बारे में बात करें तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसके अंदर होता है सोडियम क्लोराइड 8.5 ग्राम, 40% फॉर्मेल्डिहाइड 100 ml एंड डिस्टिल्ड वाटर 900 ml। हम इसको डिजोल्व कर देंगे आपस में तो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मलिन सलाइन बनेगा, ओके। अब ये जो फॉर्मलिन सलाइन है फिक्सेटिव, ये यूज़ किया जाता है, सुटेबल है, बहुत बेस्ट है किसके लिए, सर्जिकल और पोस्टमार्टम टिश्यूज़ के लिए, ओके। एंड ये क्या करता है, इवन फिक्सेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसकी वजह से श्रिंकेज ऑफ सेल और टिश्यू की भी काफ़ी कम होती है, लेस श्रिंकेज होती है। यूज फॉर म्यूजियम स्पेसिमेन, जो म्यूजियम के लिए स्पेसिमेन हम लेते हैं उसके लिए बहुत अच्छा फिक्सेटिव है, क्योंकि ये अलाउ करता है रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल कलर ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू का नेचुरल कलर होता है उसका रिस्टोरेशन ये अलाउ करता है। एंड अलाउ मस्ट स्टेनिंग टेक्निक, और बहुत सारी स्टेनिंग टेक्निक्स को भी अलाउ करता है, मतलब इस फिक्सेटिव को यूज़ करने के बाद हम बहुत तरीके की स्टेनिंग टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो अब ये लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज़ किया जाता है विदाउट एनी एक्सचेंज हार्डनिंग एंड डैमेज। अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए भी हम टिश्यू को इसके अंदर रखेंगे तो उसकी वजह से ना तो कोई हार्डनेस आएगी टिश्यू में, ना ही उसके अंदर कोई डैमेज होगा। उसके बाद है बफर्ड फॉर्मलिन, जो बफर्ड फॉर्मलिन है उसके अंदर जो हमारी कॉम्पोजिशन है दैट वुड बी द सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट 3.5 ग्राम, डाईसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 6.5 ग्राम, क्योंकि ये डबल हो गया, ठीक है। 40% फॉर्मेल्डिहाइड 100 ml, डिस्टिल्ड वाटर 900 ml, और जो इसका पीएच है वो हमें एडजस्ट करना है 7 to 7.2।
ठीक है। अब ये जो बफर्ड फॉर्मलिन है ये सुटेबल है प्रोलॉन्ग फिक्सेशन ऑफ रूटीन सर्जिकल पोस्टमार्टम एंड रिसर्च स्पेसिमेंस। जितने भी हमारे पास स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे कि रूटीन में जो आ रहे हैं, सर्जिकली जो आ रहे हैं, पोस्टमार्टम से जो आ रहे हैं, और जो रिसर्च स्पेसिमेन है उनके लिए जो बेस्ट, मतलब बहुत लॉन्ग अगर हमने प्रिजर्वेशन करनी है, प्रोलॉन्ग प्रिजर्वेशन करनी है, तो बफर्ड फॉर्मलिन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी फिक्सेशन 24 आवर्स तक चलती है, ठीक है। 24 आवर्स तक हम इसके अंदर अपना स्पेसिमेन रख सकते हैं और लॉन्गर भी रख सकते हैं, स्पेसिमेन के साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके बाद बात करें फॉर्मल कैल्शियम। फॉर्मल कैल्शियम में ऑब्वियसली फॉर्मलिन तो होगा ही, 10 ml होगा, कैल्शियम एसिटेट होगा 2.0 ग्राम, एंड डिस्टिल्ड वाटर होगा 100 ml। ओके, सो ये जो फॉर्मल कैल्शियम है ये यूज़ किया जाता है फॉस्फोलिपिड्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। किसके लिए? फॉस्फोलिपिड्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसका फिक्सेशन टाइम 24 आवर्स है और जो इसका pH है वो है न्यूट्रल। ओके, सो सेकेंड लास्ट है जेंकर फ्लूड। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेंकर फ्लूड काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। सो जेंकर फ्लूड में जो हमारे पास कॉम्पोजिशन है ये कॉम्पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी क्लोराइड 5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.0 ग्राम, एंड डिस्टिल्ड वाटर 100 ml, एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml हमको चाहिए होगा इसमें। अभी जो जेंकर फ्लूड है ये गुड रूटीन फिक्सेटिव है, रूटीनली इस फिक्सेटिव को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंपाउंड फिक्सेशन में, ठीक है। यूज़ फॉर स्मॉल पीस ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, स्प्लीन और लीवर का जो स्मॉल पीस होता है उसके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। एक्सीलेंट साइटोलॉजिकल डिटेल, ये साइटोलॉजिकल डिटेल्स को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है। ब्रिलियंट स्टेनिंग न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई को भी बहुत अच्छी स्टेनिंग प्रोवाइड करता है, और जो टिश्यू के फाइबर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखता है। ओके, पेनिट्रेशन इज पुअर, इसका जो पेनिट्रेशन रेट है वो बहुत स्लो है, पुअर है, एंड टिश्यू शुड नॉट एक्सीड 0.5 cm इन थिकनेस। अगर टिश्यू 0.5 cm थिकनेस से ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से प्रिजर्व नहीं होगा, उससे कम है तो अच्छे से प्रिजर्व हो जाएगा। फिक्सेशन टाइम इसका 24 आवर्स है। वॉशिंग इन रनिंग टैप वाटर टू रिमूव एक्सेस डाइक्रोमेट, इसके अंदर जो डाइक्रोमेट सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए हमें वाटर, रनिंग टैप वाटर में इसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। मर्करी क्लोराइड पिगमेंट को रिमूव करने के लिए हमें आयोडीन के साथ वॉश करना पड़ेगा। ओके, सो द लास्ट वन इज बोइंस फ्लूइड। सो बोइंस फ्लूइड में क्या है, हम जो कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड होगा 75 ml, फॉर्मलिन लेंगे 25 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे 5 ml। ओके, सो ये जो बोइंस फ्लूड है इसका जो पेनिट्रेशन रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, रैपिडली पेनिट्रेशन रेट है, लेकिन ये श्रिंकेज कॉज करता है और ग्लाइकोजन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कौन सा फ्लूड? बोइंस फ्लूड। सो नाउ देर इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड फिक्सेटिव जिसका नाम है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। इसमें दो तरीके की फिक्सेटिव्स आती हैं, एक होती है न्यूक्लियर फिक्सेटिव और एक है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। न्यूक्लियर फिक्सेटिव में कैनोइस फ्लूड होता है जिसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें है एब्सोल्यूट अल्कोहल 60 ml, क्लोरोफॉर्म 30 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 10 ml। ओके, सो जो कैनोइस फ्लूड है ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट्स रैपिडली। ये न्यूक्लियर फिक्सेशन बहुत अच्छी देता है, बेटर न्यूक्लियर फिक्सेशन देता है ये। एक्सीलेंट ग्लाइकोजन प्रिजर्वेशन, इसमें जो ग्लाइकोजन है बहुत अच्छे से प्रिजर्व होता है। गुड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है ये, फिक्सेटिव है। कोआगुलेट लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड को ये क्या करता है, कोआगुलेट करता है अच्छे से। वाइडली यूज फॉर क्रोमोसोम्स, लिम्फ नोड्स एंड अर्जेंट बायोप्सिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्रोमोसोम्स के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज़ किया जाता है? कैरनोइस फ्लूइड। कौन सा? कैरनोइस फ्लूइड यूज़ किया जाता है लिम्फ नोड्स के लिए, कैरनोइस फ्लूइड। अर्जेंट बायोप्सी के लिए भी कौन सा फिक्सेटिव यूज़ किया जाता है? कैरनोइस फ्लूइड किया जाता है। साइटोप्लाज्म फिक्सेटिव में कैमिस फ्लूड आता है, ठीक है। इसमें एब्सोल्यूट मेथनॉल यूज़ करेंगे 60 ml, क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे 30 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे 10 ml। उसके बाद है जो थर्ड है लास्ट वन, दैट इज़ अ हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में हमें अगर अच्छे से प्रिजर्व करना है तो हम क्रायोस्टेट का यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, सेक्शंस को रैपिडली फ्रीज किया जाता है, फ्रोजन किया जाता है। मतलब हमारे फ्रीजर में से हम बर्फ़ के आइस क्यूब्स निकालते हैं, काइंड ऑफ वैसे फ्रोजन हो जाता है हमारा टिश्यू, उसका ब्लॉक बन जाता है। वो टेक्निक इसमें यूज़ करते हैं बेसिकली। इसमें वेपर्स फिक्सेटिव्स की टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन लिया हमने, उसके वेपर्स को निकाला जाएगा। वेपर्स कैसे निकलेंगे? अब जब हम हीट करेंगे पैराफॉर्मेल्डिहाइड को, पैराफॉर्मेल्डिहाइड को हीट करेंगे वेपर्स निकलेंगे। टेम्परेचर कितना होगा? 50 to 80 degrees Celsius होगा। इसकी हेल्प से, वेपर्स की हेल्प से वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा टिश्यू। ऐसी एसिटाइल्डिहाइड को के वेपर्स यूज़ कर सकते हैं 80 degrees Celsius पे, 1 to 4 hours में हो जाता है ये काम। ग्लूटाराइल्डिहाइड में 50% एक्वस सॉल्यूशन लेना है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 4 मिनट, 2 मिनट से लेके 4 घंटे तक
सो नाउ देर इज सम फैक्टर्स आर रिटन ओवर हेयर जो अफेक्ट करते हैं फिक्सेशन को. सो देखो जैसे टेम्परेचर हो गया. अब टेम्परेचर कैसे फिक्सेशन को अफेक्ट करेगा ये देखो. टेम्परेचर अफेक्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू. अगर टेम्परेचर सही नहीं होगा तो टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करेगा वो. जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो वो 0 to 4 degrees Celsius के का ही टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा टिश्यू को अगर उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाता है फिक्सेशन का. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑटोलाइसिस भी बहुत जल्दी होने लग जाती है और सेलुलर कॉम्पोनेंट डिफ्यूज भी बहुत जल्दी होता है. उसके बाद साइज़ के बारे में बात करें तो आइडियल साइज़ जो टिश्यू का होना चाहिए वो 3 mm होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 3 mm होना चाहिए. एंड वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव की बात करें, जो फिक्सेटिव का वॉल्यूम होता है वो हमेशा टिश्यू के वॉल्यूम से 15 से 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए. कितना? 15 से 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में या फिर वाइवा में पूछा जाता है. उसके बाद इसके टाइम के बारे में बात करें तो मिनिमम टाइम जो होना चाहिए हम टिश्यू के लिए वो 5 mm का टिश्यू है तो उसके लिए 12 घंटे तो फिक्सेशन के लिए चाहिए ही चाहिए. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम कर रहे हैं तो जो स्लाइस टिश्यू होते हैं वो प्रिजर्व करते हैं 3 आवर्स के लिए. कितने? 3 आवर्स के लिए. किस में करेंगे? 3% ग्लूटराल्डिहाइड में करेंगे. तो टाइम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फिक्सेशन के अंदर. ठीक है, प्रोलॉन्ग फिक्सेशन इन इन एल्डिहाइड. अगर एल्डिहाइड ग्रुप्स में हम प्रोलॉन्ग फिक्सेशन कर ले बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, अगर हम टिश्यू को रख दें एल्डिहाइड फिक्सेशन में, तो उसकी वजह से श्रिंकेज आ जाती है, हार्डनिंग ऑफ टिश्यू आ जाती है. तो टाइम तो अफेक्ट हो रहा है ना, इस वजह से टाइम की वजह से अफेक्शन तो आ रही है. उसके बाद चॉइस ऑफ फिक्सेटिव, मैथड ऑफ फिक्सेटिव शुड बी सिलेक्टेड इमिजिएटली वंस द स्पेसिमेन इज प्रेजेंटेड. जैसे ही स्पेसिमेन बाहर निकाला गया, जैसे स्पेसिमेन आपके सामने प्रेजेंट हुआ, तभी के तभी आपको पता होना चाहिए कि हमने ये वाला फिक्सेटिव इसके लिए यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है. जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए ग्लूटराल्डिहाइड जो फिक्सेटिव सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बेस्ट है. ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेशन के बारे में बात करें तो फिक्सेटिव पेनिट्रेट द टिश्यू एट डिफरेंट रेट. अब जो फिक्सेटिव्स होते हैं वो हर फिक्सेटिव का अपना पेनिट्रेशन रेट है, राइट. सो पीएच के बारे में बात करें तो पीएच शुड बी केप्ट इन द फिजियोलॉजिकल रेंज. जो पीएच है ज़्यादातर 4 to 9 तक के बीच में रहना चाहिए. अब देखिए खासकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच का रोल. अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें मैंने बताया कि कौन से टिश्यू के लिए किस टाइप का फिक्सेटिव हम यूज़ करेंगे और उसको टाइम कितना देना पड़ेगा. जैसे रूटीन का कोई टिशू आता है तो उसके लिए जो फिक्सेटिव यूज़ होता है वो होता है फॉर्मलिन. कौन सा होता है? ये फॉर्मलिन. और उसके लिए हमें 10 से 12 घंटे उसको फिक्सेटिव टाइम देना पड़ता है. उसके बाद अगर जीआईटी बायोप्सी बोलूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की बायोप्सी बोलूँ, तो बफर्ड फॉर्मेल्डिहाइड हमें उसे प्रोवाइड करेगा करना पड़ेगा एज एन फिक्सेटिव और उसके लिए 4 से 6 घंटे नेसेसरी होते हैं. उसके बाद टेस्टिकुलर बायोप्सी अगर हमारे पास आता है तो उसके लिए बोवाइंस फिक्सेटिव यूज़ करते हैं. कौन सा? बोवाइंस फिक्सेटिव. और उससे 4 से 6 घंटे उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे फिक्सेशन के लिए. अगर लीवर की बायोप्सी आती है तो उसके लिए बफर्ड फॉर्मेल्डिहाइड. कौन सा? बफर्ड फॉर्मेल्डिहाइड. 4 से 12 घंटे लेगा फिक्सेशन के लिए. बोन मैरो बायोप्सी के लिए हमारे पास बोवाइंस फिक्सेटिव इन रनिंग. ओके, और उसके लिए बोन मैरो बायोप्सी में रनिंग बोवाइंस फिक्सेटिव हमें यूज़ करना पड़ेगा और 2.5 घंटे तक हमें उसे करना पड़ेगा. उसके बाद स्प्लीन और ब्लड फिल्ड कैविटीज, ऐसी कैविटीज स्प्लीन हो गया फिर ब्लड फिल्ड कैविटीज हमारे पास आती है तो उसके लिए जेंकल स्टोड यूज़ होता है. 1 से 6 घंटे लेता है फिक्सेशन के लिए. लिम्फ नोड्स आते हैं तो B5 यूज़ होगा, 12 से 18 घंटे लेगा. अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया फॉस्फेटाइड्स और नीसिल सब्सटेंस को हमें फिक्स करना है तो कैनॉइड स्टोड यूज़ होता है, 1 से 2 घंटे लेगा फिक्सेशन के लिए. और क्रोमोजोम और या फिर सेल कल्चर, क्रोमोसोम या फिर सेल कल्चर के लिए अगर फिक्सेटिव यूज़ करेंगे तो क्लार्क्स फ्लूइड यूज़ होगा एंड 1 से 2 घंटे लेगा फिक्सेशन के लिए. तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फिक्सेटिव्स इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैब. अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कितना हेल्पफुल था. और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमन एम्पावरमेंट. थैंक यू वेरी मच.